ये देखिए दोस्तों, ये पहला साहबांचा सत्कार होतो आहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुहास पेठो इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज डॉग शो होने वाला है, तो बहुत सारी खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की ट्रॉफी आज यहाँ पे आपको देखने को मिली है। तो दोस्तों, मैं आया हूँ लातूर सिटी में दीवानजी मंगल कार्यालय में, यहाँ डॉग शो होने वाला है। तो बहुत सारी खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी की ट्रॉफी ऑर्गेनाइज़र सर ने खरीदी है, जिसमें ऑर्गेनाइजर टीम में बहुत सारे मेंबर है। ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन ब्रीड की ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। देखिए दोस्तों, ये वाह 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 वा। देखेंगे किसका नसीब अच्छा है, किसके डॉग अच्छे है और किसको ये ट्रॉफी मिलती है। ये फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी, ये सेकंड नंबर की ट्रॉफी और वो थर्ड नंबर की ट्रॉफी। तो देखिए दोस्तों, ये थर्ड नंबर की ट्रॉफी है। और क्या है दोस्तों, हर कैटेगरी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लातूर सिटी के ग्रामीण के आमदार धीरज भैया देशमुख यहाँ पे आए हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट रॉटविलर का राउंड होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रॉटविलर के डॉग, इनका फर्स्ट राउंड होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के ये रॉटविलर डॉग है, जिसमें से ये फर्स्ट मेल। देखिए दोस्तों, एक्चुअली इनकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो में आपको प्रॉपरली उनकी जो साइज़ है वो दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड रॉटविलर का मेल। देखिए दोस्तों, काफ़ी हेवी और अच्छी क्वालिटी का बहुत ही ज़बरदस्त डॉग यहाँ पे आए हैं दोस्तों। और लगभग मेरे हिसाब से तो 275 से ज़्यादा यहाँ पे एंट्री हुई है। ये देखिए दोस्तों, ये थर्ड रॉटविलर का मेल। ये भी देखिए दोस्तों, इसका जबड़ा देखो दोस्तों, बहुत ही बड़ा जबड़ा है इसका। एक्चुअली पहला राउंड ही इतनी डेंजरस ब्रीड का रखा है इन्होंने। देखिए दोस्तों, ये थर्ड मेल, और ये देखिए दोस्तों, फोर्थ मेल ये रॉटविलर का। ये भी देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, ये भी मेल रॉटविलर का। और एक्चुअली दोस्तों, रॉटविलर जो ब्रीड है वो जर्मनी की है, वहाँ पे रॉटविलर के मेल सबसे पहले पाए जाते थे। ये देखिए दोस्तों, ये पांचवा रॉटविलर का मेल, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का। देखिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मेल ये भी। एक्चुअली यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी ब्रीड है, और लातूर से क्या, ऑल महाराष्ट्र से यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के डॉग यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी जो भी पार्टिसिपेट मेंबर है, तो उनको डॉग को कैसा दिखाने चाहिए, इस वजह से ये डेमो दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से डॉग को खड़ी पोजीशन में रखने का, उसके पैर को जो स्टैंडिंग पोजीशन रहती है, तो उस हिसाब से पैर को भी रखने का। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से राजेश सर डॉग को दिखा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, और उसके मुंह में, मुंह खोल के जो उसके दांत है वो भी दिखा रहे। देखिए दोस्तों, ये जज डॉग को चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, अब इसका राउंड होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, राजेश सर ने जर्मन शेफर्ड को किस तरीके से पकड़ा है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही बाकी के मेंबर पकड़ के डॉग को दिखाना चाहिए, इस वजह से ये डेमो दिखा रहे। देखिए दोस्तों, ये जर्मन की, ये देखिए दोस्तों, ये जर्मन का डॉग, और इसको इतनी अच्छी तरीके से दिखा रहे, बहुत अच्छे। और सर्कल एक राउंड होता है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये सर्कल एक राउंड। डॉग की चेन या डॉग का बेल्ट जो रहता है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ने का और डॉग को राउंड अप करने का। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से राजेश सर ने डेमो दिखाया है, बहुत अच्छे। ये देखिए दोस्तों, अभी भी उन डॉग की जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पैर को इन्हों
कैसे कर रहे हैं देखो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत। अभी एक राउंड अप हो गया है, अभी रॉटविलर का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये जेकब है, लातूर के पुराने डॉग शौकीन, और ये देखिए दोस्तों अभी रॉटविलर का राउंड शुरू हो चुका है, और ये फर्स्ट रॉटविलर का मेल। देखिए दोस्तों ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन, वैसे तो मुझे ये रॉटविलर ब्रीड का काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ब्रीड है। देखिए दोस्तों ये फर्स्ट मेल की अभी चेकिंग चालू है, ये देखिए दोस्तों ये फर्स्ट रॉटविलर का मेल के ओनर इसके दांत दिखा रहे थे। ये देखिए दोस्तों, और कैसा है दोस्तों, जज को बहुत ज़्यादा डॉग का एक्सपीरियंस है, इस वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हर डॉग की ब्रीड को हैंडल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट रॉटविलर का राउंड अप होने वाला है, ये देखिए दोस्तों ये फर्स्ट रॉटविलर। तो वैसे ही हर रॉटविलर मेल का राउंड अप होने वाला है, ये देखिए दोस्तों ये राउंड हो गया इसका, अभी दूसरा रॉटविलर का मेल। ये देखिए दोस्तों ये दूसरा रॉटविलर का मेल। दोस्तों कई डॉग लवर्स ऐसे भी हैं जिन्हें कुत्तों के खतरनाक प्रजाति पालने का शौक रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रॉटविलर डॉग्स दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की प्रजाति में से एक है। इन कुत्तों के शरीर की बनावट ही गठीली होती है और ये बेहद शक्तिशाली होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो रॉटविलर डॉग्स के शौकीन हैं, जिन्हें रॉटविलर डॉग की ब्रीड बहुत ही पसंद आती है क्योंकि वो गार्डिंग के लिए बहुत ही अच्छे कारीगर साबित हो सकते हैं। रॉटविलर अपने मालिक के प्रति काफ़ी ज़्यादा वफादार रहते हैं। इनका शरीर अन्य कुत्तों की तुलना में काफ़ी गठीला और मजबूत होता है। आमतौर पर कुत्ते अगर किसी अनजान डॉगी को देख लेते हैं तो चिढ़ जाते हैं और भौंकने लगते हैं, कभी कभार वे आक्रामक भी हो जाते हैं। लेकिन रॉटविलर एक डॉग की ऐसी प्रजाति है जिन्हें सिर्फ अनजान कुत्तों से ही नहीं बल्कि अनजान लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये ब्रीड अनजान लोगों को देखकर कभी भी भड़कती है। इसके अलावा अगर इन डॉग्स को थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है तो ये किसी पर भी हमला करते हैं। इनका हमला बेहद खतरनाक है जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों इस डॉग शो के ऑर्गेनाइज़र ने मुझसे कांटेक्ट किया था और बोला था कि सुहास भाई हमको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया डॉग शो लेने का है। मुझे लगा कि जनरली डॉग शो होगा लेकिन सही में ऑर्गेनाइज़र टीम की जितनी तो तारीफ करें उतनी कम है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है, काबिले तारीफ है। अभी इस मंगल कार्यालय में हर जगह पे फैन है, हर जगह पे कूलर है, इस वजह से गर्मी का तो इशू आया ही नहीं, और इस वजह से ये बहुत ही अच्छा डॉग शो रहा है। और सेटअप भी बहुत बढ़िया किया, अंदर का रिंग का सेटअप किया है, स्टेज का सेटअप, डेकोरेशन और मैनेजमेंट, बहुत ही ज़बरदस्त डॉग शो हुआ है। देखिए दोस्तों ये ऊपर का व्यू देखो, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा मंगल कार्यालय और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट और बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइज़र टीम, जिसमें राठौर सर, आदित्य, सुजीत और उनके और भी कई फ्रेंड सर्कल है जिनका नाम स्पेशली मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारे मेंबर है जिन्होंने ये डॉग शो एक सक्सेसफुल डॉग शो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। देखिए दोस्तों ये रॉटविलर का डॉग थक गया बेचारा, थक गया, लेकिन सही में इस डॉग को इसके ओनर ने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। देखिए दोस्तों अच्छे से इनकी इंस्ट्रक्शन सुन रहा है, अच्छे से चल भी रहा है। देखिए दोस्तों ऐसा ही डॉग को ट्रेन करना चाहिए। और मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ डॉग के ओनर डॉग को
ऐसे हैंडलिंग अच्छी तरीके से नहीं कर रहे थे, तो प्रॉपरली कुत्तों को जो उनके ओनर है जितनी अच्छी हैंडलिंग करेंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट डॉग रॉटविलर, ये देखिए ऐसा लग रहा है कि जज को काटेगा ही। देखिए दोस्तों, ये उसके दूर से दांत दिखा रहे, अरे काटेगा काटेगा, ओ ओनर को भी नहीं छोड़ रहा। देखिए दोस्तों, बहुत ही डेंजरस ब्रीड रॉटविलर की, और ये तो बहुत खतरनाक डॉग दिख रहा है मेरे को, तो ओनर भी डर रहा है इससे। देखिए दोस्तों, ये एक्चुअली डॉग को कैसा है, एक दिन ऐसे अगर फंक्शन में या डॉग शो में लाए तो वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है, क्योंकि इतने सारे डॉग्स रहते हैं और इतने सारे आदमी रहते हैं, इनके बीच वो शायद गुस्सा होता होगा, क्योंकि उसको अकेले रहने की आदत है ना। देखिए दोस्तों, अब रॉटविलर मेल की कैटेगरी हो गई है, अब रॉटविलर फीमेल का राउंड अप होने वाला है। ये फर्स्ट फीमेल है,
देखिए दोस्तों, इसके ओनर उसको आगे ले जाना चाहते हैं लेकिन फीमेल उनकी बात नहीं मान रही। बेचारी कंफ्यूज हो चुकी है क्योंकि एक दिन इतने आदमी इतने कुत्ते के बीच आने के बाद बेचारी कंफ्यूज हो गई है। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट फीमेल रॉटवीलर शायद थक गई है ऐसा लग रहा है मुझे तो। देखिए देखिए, उल्टी उल्टी जा रही आगे। नहीं नहीं जा रही आगे। क्या हुआ है कि क्या समझ में नहीं आ रहा, उठती कि नहीं कि जान दो। ये सेकंड है फीमेल, ये देखो दोस्तों, ये सेकंड। ओह, ये भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा भौंक रही है। देखिए देखिए दोस्तों, बहुत डेंजरस फीमेल ये भी, लेकिन चल रही है, ओनर के इंस्ट्रक्शन मान रही है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव फीमेल रॉटवीलर। सेकंड फीमेल का सर्कल राउंड ऑफ हो रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, पब्लिक का इतना अच्छा रिस्पांस मिला है इस डॉग शो में, बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, ये राउंड अप, ये फर्स्ट फीमेल ही साथ नहीं देने रही ओनर का। देखिए दोस्तों, ये अब फीमेल का भी राउंड अप ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अगला राउंड आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, ये डॉबरमैन मेल का राउंड अप होने वाला है। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के डॉबरमैन मेल यहाँ पे आए हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट डॉबरमैन मेल, इसकी एज थोड़ी कम है, ये भी ओनर की बात नहीं सुन रहा। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट मेल ये गया। नहीं नहीं नहीं, नक्कोच बोल रहा है। आया आया आया। ये देखिए दोस्तों, ये सेकंड मेल। देखिए दोस्तों, क्या है ना दोस्तों, डॉग को कैसा है, टहलने की आदत रहनी चाहिए। तो ओनर जिस तरीके से कुत्ते को पकड़ता है और जिस तरीके से कुत्ते को बाहर घूमने के लिए ले जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, कुत्ता अच्छे से ट्रेन होता है और उसको एक आदत सी पड़ जाती है अपने मालिक के साथ घूमने की। अपने मालिक जो हाथ में बेल्ट या चेन पकड़ता है, तो उस वजह से मालिक जो चाहता है वो कुत्ता उस तरीके से चलता है। देखिए दोस्तों, ये भी डॉबरमैन, इसका भी राउंड अप हो रहा है, अभी शायद सर्कल राउंड होगा। ये देखिए दोस्तों, ये सर्कल राउंड, ऑल कैटेगरी के डॉग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। ये देखिए दोस्तों, ये ज़रा एग्रेसिव मुझे तो दिख रहा है ये। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। देखिए दोस्तों, नए डॉग को छूते वक्त हर कोई इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन हमारे जज साहब का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, जो वो हर कैटेगरी के डॉग को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये डॉबरमैन फीमेल का राउंड अप। और दोस्तों, ये भी डॉबरमैन की जो ब्रीड है वो जर्मनी में इसको बनाया है, और आज हम इस डॉबरमैन डॉग और उसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो उसमें दरअसल कई प्रकार के डॉग को मिलाकर ये नस्ल बनाई है, जिसमें ब्यूसरॉन, जर्मन पिंसर, रॉटविलर और विमर्नर शामिल है। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि डॉबरमैन नस्ल को विकसित करने में जर्मन शेफर्ड डॉबरमैन नस्ल का सबसे अधिक योगदान माना जाता है। दोस्तों, एक संपूर्ण विकसित हुए वाले डॉबरमैन मेल का वज़न
लगभग 40 से 45 किलो का होता है, यानी कि बड़ा डॉबरमैन का मेल, उसका वज़न 40 से 45 किलो होता है, और बड़ी डॉबरमैन की फीमेल, इसका वज़न लगभग 32 से 35 किलो का होता है और इनकी हाइट लगभग 68 से 72 सेंटीमीटर नर की होती है और मादा की 63 से 68 सेंटीमीटर तक की होती है। नर थोड़ा वज़न में भी बड़ा रहता है और हाइट में भी बड़ा रहता है। देखिए दोस्तों, ये आकार में लंबे होते हैं, सर का आकार लंबा होता है इनका और पतला होता है, एवं जबड़े इनके बेहद ज़्यादा शक्तिशाली और मजबूत होते हैं। तो दोस्तों, डॉबरमैन शक्तिशाली ऊर्जावान कुत्ते होते हैं जिन्हें बहुत सारे अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि उनका उपयोग नहीं किया जाता तो वो चिड़चिड़ाहट या आक्रामक बनने की अधिक संभावना रखते हैं। दोस्तों, आज के डॉग शो में अमेरिकन डॉबरमैन की ब्रीड आई है और यूरोपियन डॉबरमैन की ब्रीड। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों भी ब्रीड काफ़ी अच्छी है, अगर इनको अच्छी तरीके से ट्रेनिंग अगर देते हैं तो ये अच्छे तरीके से रह भी सकते हैं, सोशल वर्क में भी या घर पर भी अच्छी तरीके से अपने घर को गार्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले और अच्छे डॉग रहते हैं। देखिए दोस्तों, ये डॉबरमैन का मेल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, ये देखिए दोस्तों, बहुत बहुत एक्टिव है ये। ये देखिए दोस्तों, गुस्सा कर रहा है ज़रा। देखिए दोस्तों, ये ओह बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। और ये देखिए दोस्तों, ये और दोस्तों, ये इसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा दिख रही है मुझे, लेकिन इसके ओनर ने शायद बताया है कि इसकी उम्र लगभग, जो पीछे वाला डॉग है उसकी उम्र लगभग 20 साल की है। देखिए दोस्तों, ये सामने वाला डॉग है, इसकी दांत की चेकिंग चालू है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी की। ये देखिए दोस्तों, ये अमेरिकन ऐसे आती है डॉग की ब्रीड, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। तो दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अमेरिकन डॉबरमैन और यूरोपियन डॉबरमैन में डिफरेंस क्या है। तो कलर में तो डिफरेंस आता है, रेड कलर के अमेरिकन डॉबरमैन रहते हैं और वो ब्लैक कलर का जो शेड ज़्यादा दिख रहा है वो यूरोपियन डॉबरमैन है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि यूरोपियन डॉबरमैन वेट में भी ज़्यादा रहते हैं, उनके पैर का साइज़ ज़्यादा रहता है, गर्दन का साइज़ ज़्यादा रहता है और मसल्स ज़्यादा रहते हैं यूरोपियन डॉबरमैन के, और उसके मुकाबले अमेरिकन डॉबरमैन के मसल्स कम रहते हैं। तो ऐसी है दोनों डॉबरमैन की ब्रीड।